गुड मॉर्निंग क्लास 10। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है, जो डार्क अक्षर में। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए एक प्रकार की ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है, और ये कैसे होती है देखिए हम आपको समझाते हैं। ये होती है प्रेगनेंट वुमेन के साथ जब बच्चा होता है तो वहाँ ये प्रॉब्लम आती है। देखिए, यदि कोई वुमेन प्रेगनेंट है और उसका जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है, ठीक है, और जो फीटस है यानी अंदर जो एम्ब्रियो पल रहा है उनके अंदर ओवरी में, उसका जो ब्लड है वो RS पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो फर्स्ट डिलीवरी में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। अगर मदर का ब्लड RS नेगेटिव है और फीटस का RS पॉजिटिव है तो फर्स्ट डिलीवरी में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वो फर्स्ट डिलीवरी के दौरान क्या होता है, जो चाइल्ड का कुछ RS पॉजिटिव ब्लड बच करके कहाँ पहुँच जाता है, मदर के RS नेगेटिव ब्लड में पहुँच जाता है, थ्रू प्लेसेंटा पहुँच जाता है और ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब मदर का ब्लड में जैसे ही जाएगा तो मदर का इम्यून सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा काम करना, कि मदर का ब्लड देखेगा कि क्या नई चीज़ आ गई है, क्या पैथोजन आ गए, तो RH जो पॉजिटिव ब्लड था पहले फीटस का उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाते हैं और वो एंटीबॉडी उस RH पॉजिटिव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। जब सेकेंड डिलीवरी में भी अगर बच्चे का जो ब्लड है वो भी RH पॉजिटिव निकल जाए, ठीक है, तो अब मदर के ब्लड में ऑलरेडी RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है, तो ऐसे में क्या होगा, वो RH पॉजिटिव के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी है वो RH पॉजिटिव ब्लड के साथ मिल जाएगा, यानी कि बच्चे के ब्लड के साथ मिल जाएगा और एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाती है। जिस तरह से एग्लूटिनेशन रिएक्शन से क्या होगा, मदर का जो ब्लड के एंटीबॉडीज़ हैं वो उस बच्चे के ब्लड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, RBC को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। इस केस में क्या होता है, जो बच्चे की डेथ हो सकती है, क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इस एग्लूटिनेशन को हीमोग्लूटिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन वहाँ पे जम जाता है एक तरह से, ठीक है, उस बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए जो मदर है उनको 24 घंटे में क्या लगाना चाहिए, IgG एंटीबॉडीज़ का एक इंजेक्शन लगाना चाहिए या फिर वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। IgG एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ बन गई थी RH पॉजिटिव के लिए उनको ये जा करके नष्ट कर देंगी और शरीर में बनी रहती है। ऐसी एंटीबॉडीज़ को रोगों में एंटीबॉडीज़ बोलते हैं और ये मदर के ब्लड में काफ़ी टाइम तक रहती है। ठीक है, अगर फिर भी डिलीवरी हो जाती है तो ऐसा बच्चा नहीं, सेकेंड डिलीवरी वाला बच्चा जो क्या होता है, काफ़ी वीक होता है, कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है डिलीवरी होने के बाद, या फिर हमें क्या करना पड़ता है, उस बच्चे का ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, उसको पूरा का पूरा ब्लड क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये इसका डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देख लें। ठीक है, फिर हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ये स्पेशली आपको केवल एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में वीडियो थी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द एरेथ्रोब्लास्टोसिस। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट एक प्रोसेस है। ठीक है, तो दो नंबर की आ सकती है, आप इसको याद करें अच्छे से, और रोगम एंटीबॉडीज़ की डेफिनेशन कई बार आती है तो उसको भी याद करें अच्छे से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।